हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे देसी चीज़ें जिसे खाने से आपके शरीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, इन सारे चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। अगर आप शाकाहारी हैं, आप मांस मछली अंडे इन सब चीज़ों का सेवन अगर नहीं करते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे देसी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जो कि इसका सेवन करने से जो मांस मछली में, जो चिकन मटन में जो विटामिन, प्रोटीन इन सारी चीज़ों की पूर्ति होती है उसे खाए बिना आपको इस देसी चीज़ में भी मिल जाएगा। गाइस, पहला है रामदाना। रामदाना आप इसको मत समझ लीजिएगा जो कि लाचेदाना पूजा में जो चढ़ाया जाता है, जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, वो रामदाना अलग होता है। और मैं अलग रामदाना की बात कर रही हूँ जो कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रामदाना गांव में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है और इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और इस जो ये रामदाना है, इसका जो दाना होता है, इसको मतलब कि लोग मीठा के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बना के गुड़ में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये जो रामदाना है इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो आप रामदाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका जो है यानी कि इनको भूनकर आप इसका दाना खा सकते हैं, इसका खिचड़ी बना सकते हैं, या फिर इसके आटा आप घर पे बनाकर इसका रोटी भी बना सकते हैं। किसी भी तरीके से आप खाएं, लेकिन ये उन सारे चीज़ों से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और दूसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ चना। जी हाँ दोस्तों, चना ये इसमें दाल से भी 18% ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाई जाती है, जो कि हमारे सेहत के लिए, छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको प्रोटीन की जो ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चा चना खा सकते हैं, चने का सब्जी बना के खा सकते हैं, चने को किसी भी रेसिपी में बना के खा सकते हैं। जो तीसरा है वो है हरा मूंग दाल। इसमें भी प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जो ल्यूसिन होता है, ल्यूसिन की मात्रा भी पाई जाती है, और अमीनो एसिड इसके जो स्तर होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में पाई जाती है, जो कि हमारे सेहत के लिए इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। और दोस्तों चौथा है मूंगफली। मूंगफली तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें कितने सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट और कई सारे से मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए और हमारे हड्डियां होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जो पाँचवा है वो है पनीर। इसमें भी मांस मछली से और दाल से कहीं ज़्यादा अधिक प्रोटीन पाई जाती है, और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो कि हमारे सेहत के लिए इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कि आपको पनीर में अच्छी मात्रा में मिल जाती है। का सेवन करके अपने शरीर को मजबूत, स्वस्थ, निरोगी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मांस मछली खाएं या फिर अंडे खाएं तभी आपको उन सारी चीज़ों की कमी की पूरी हो सकती है। तो आज के लिए ये छोटा सा टिप्स था दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों में शेयर करेगा। मिलते हैं नए वीडियो, नए टिप्स, नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें और अपने ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।